आज ना मेरी गर्दन ये कर रही है बहुत दर्द। क्यों, क्या सुबह पता हुआ? नहीं क्यों ठंड थी ना, वो हाँ एक ही हाँ करवट में लग रहा है, 3 4 घंटे सो गया। और रात को उठता भी हूँ, एक तो परेशान कर रखा है ये गली वाला, पता नहीं गली वालों ने कर रखा है या हाँ कौन नींद है। भी फिर खराब होती है, दरवाजा बजता है हाँ बार बार। आज जो है ना, मैं सोच रहा हूँ आज 2 बजे के बाद उठूंगा, परेशान कर रहे हैं। और तो मुझे तो वही, मुझे तो शक हो रहा है ये वही लोग होंगे जो रात को आते हैं और दरवाजा बजाते हैं ना। हाँ, एक रात तो को तुम्हें इतने दिन पता से। है ना, पहले भी मैंने बताया था 3 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का, 11 बज रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा। और भाई के काम पे जाने के बाद जो है ना, मुझे ऐसी आँख लगी अभी जो है ना, 11 बज गए, क्योंकि 10 बजे वो काम पे जाते हैं। 1 घंटा मैं सो गई, पता भी नहीं चला। मैंने सोचा था अभी 10 15 मिनट में उठ जाऊंगी, क्योंकि पापा भी बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ अंदर सोने के लिए। मैंने बोला चले ठीक है, मैं 10 15 मिनट बाद उठ के काम करूंगी। वो मुझे आँख लग गई, टाइम का पता ही नहीं चला। खैर अभी आँख खुली है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, फारिग होती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना लाइट आएगी तो मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करूंगी, क्योंकि अभी तो लाइट है नहीं, चलेगा ये लाइट जब आएगी ना, जब मैं अपने कपड़े प्रेस करूंगी, नहाऊंगी। अभी फिलहाल जल्दी से काम करती हूँ, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैं जो है ना यहीं पर ही सो गई थी, रजाई मुंह तक डाल के सो गई ऐसी। और पापा भी यहीं पे बैठे हुए थे, पापा जा चुके हैं। और अब जो है ना मैंने इस कमरे की सबसे पहले सफाई करनी है और फिर बाकी घर की करनी है। यहाँ बाकी भी दिखा देती हूँ आपको। पापा सो रहे हैं, आप देखें अंधेरा हो रहा है सारे कमरे में। इधर मैंने इधर की सेटिंग करनी है, सफाई वगैरह करनी है, कमरे की तो सेटिंग हुई हुई होती है। इधर को तो कुछ सामान भी नहीं है, बस एक रजाई तेल बनानी होती है मैंने। तो चले अब मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। पहले ये कपड़ा उठा लेती हूँ, ये जो नीचे बिछा हुआ है। और जो है पापा होते हैं तो पापा कैमरा पकड़ लेते हैं। आज मैंने जो है ना कैमरा सेट किया है उधर सोफे के ऊपर। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए, कैमरा तो बिल्कुल सही सेट हुआ है। खैर है, कभी कभार एडजस्ट करना चाहिए। तो इधर से मैं ये रजाई तय बनाती हूँ और फिर इसको तय बना के जो ना कमरे में रख दूंगी। यहाँ पर मैं सुबह सुबह ले आती हूँ, पापा बैठे हुए होते हैं, बातें भी करते रहती हूँ। और मैं जो मुझे जो ना सर्दी भी नहीं लग रही होती, यहाँ बैठ जाती हूँ आराम से रजाई के अंदर। और फिर बाद में तय बना के वापस कमरे में ही जानी होती है ये भी। उई। छोटी सी जगह ना तेल बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती। ये बन गई है तेल। और अब मैं करती हूँ इधर से ये सब सेट। आजकल वैसे जो है ना सर्दी बहुत हो रही है, हवा भी काफी चल रही होती है। एक मट्टी तो इतनी नहीं उड़ रही जो कि 3 दिन पहले उड़ रही थी, बारिश के साथ साथ उससे पहले मट्टी इतनी उड़ रही थी, पूरे घर में मट्टी मट्टी हो गई थी। लेकिन आजकल जो है ना काफी सर्दी है, बहुत सर्दी लग रही होती है रात में, दिन में, और फिर जब हवा चलती है तो और सर्दी हो जाती है। ये लें जी, ये सेट हो गया। ये सोफा भी हो जाएगा बस जल्दी से। बस ना इसको थोड़ा सा टाइट करके लगाना होता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा थोड़ा सा कोनों से निकल जाता है। ये हो गया। ये लें जी, ये हो गया है। अब ना मैंने ये रजाई रख के आनी है। तो अभी आप देखें लाइट भी आ चुकी है और सारे घर की सफाई हो चुकी है। बस जो ना अब सफाई वगैरह तो मेरी हो गई, बर्तन भी धुल गए। अब मैंने प्रेस करना है कपड़े, थोड़ी देर में अलमारी से कपड़े निकालूंगी, उसके बाद प्रेस करूंगी। लेकिन अभी पापा किचन में खड़े हुए खाना गर्म कर रहे हैं शायद। ये देखें जी, कल हमने पकाए थे दाल चावल, जो कि आज पापा दाल चावल गर्म कर रहे हैं ना। वैसे ज्यादा नहीं बच गए चावल आज। हाँ रात को जो ना भाई अदनान, तुम्हारा भाई जो है, वो हाँ क्या लेकर आया था बाहर से? गोल शवरमा, शवरमा। लेकर आया था, हाँ मुझे नहीं वो, पता क्या लाया था, मैं तो हाँ उसको रोल ही बोलूंगा। चलो वो रोल ही बोल। लेकर हाँ आया था, लाया भी तो लेकर आ गया था। तो इस वजह से जो है ना चावल ये इतने सारे बच गए हैं और हाँ दाल भी बची हुई है, नहीं तो ये सारे खत्म हो जाते हैं। कल इतने वही कम पकाए थे खत्म हो हमने, जाते, पकाए तो मैंने कम ही थे, हम लेकिन फिर भी बच गए। चले लोगों अच्छी ने बात है, हमने खा खाए ही नहीं ज्यादा। चले कोई नहीं, अब खा लेते हैं। और ये इस पे क्या लिखा हुआ है?
इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सारा ये सौदा बनाया है मैंने, सामान लेकर आना है। तेल, घी, चावल, लाल दाल, चने की दाल, चीनी 2 किलो, बेसन, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, साबुन, बर्तन धोने वाला, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये काफी सारी चीजें इसलिए लिखी हुई है कि अभी रमजान आ रहा है और रमजान में कौन जाएगा। हाँ, ये तो रमजान में टाइम नहीं मिलेगा, सारा दिन अभी रोजा होगा। इतना इतना सोचा है कि आधे आधे महीने चल जाएगा, यानी आधे रमजान चल जाएगा। हाँ, अभी से ला के रखेंगे ना, तो फिर बाद में परेशानी नहीं होगी। परेशान क्या, बहुत टेंशन ही टेंशन हो ही पड़ी है। परेशान तो होया हुआ पहले 3 4 दिन से परेशानी हो गई। अच्छा, वो सुबह आप इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे जब मैं नाश्ता बना रही थी? बाहर क्या कर रहा था, वो दो आदमी आए थे, पता नहीं कौन थे। अच्छा, दो आदमी आ रहा, परेशान कर रहे हैं। तो वही मुझे तो शक हो रहा है, ये वही लोग होंगे जो रातों को आते हैं और दरवाजा बजाते हैं ना। हाँ, एक रात तो को तुम्हें इतने दिन बताया से। ना, पहले भी मैंने बताया था 3 दिन पहले, हाँ, आप बता और रहे थे कल दरवाजा रात को भी बजे। बताया था कि दरवाजे बज रहे हैं रात को 3 बजे के बाद 4 बज जाते हैं। खाली पीली परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है ये पता हमारा। नहीं क्यों करते हैं ऐसा, दरवाजा क्यों हो जाते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इनके पास ना पैसा होएगा और ये जो है ना अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो नोट कर रहे हैं कि ये कितने अपराध हैं, कैसा मौका मिलेगा, किस तरीके से ये इनको जो है ना फंसाया जाए। अब हमारे जो है ना सारे सिक्योरिटी हमारे घर पूरे लॉ के अंदर से है हाँ, कोई आ नहीं सकता, इतना पैकेज है, ना। पीछे से भी आगे से भी, कोई रोशनदान भी नहीं या खुला। तो ये मोहल्ले वाले चाहते हैं कि हम जो है ना चैनल छोड़ दें या ये मोहल्ला खाली कर दें, ऐसा भी हो या फिर सकता जो है। है ना ये कहे कोई चोर वो रहे हैं जो हमारे को देखना चाह रहे हैं कि ये इधर कितने नहीं रखें, अपराध है गरम है ना। ना। अब परेशानी रहे क्या करें, हाँ, ये तो है, अब चैनल क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो नहीं छोड़ सकते ना, ये चैनल हाँ, छोड़े हैं। दो 3 दिन से इसी टेंशन में वीडियो भी नहीं बना रहे थे। वीडियो में यूं नहीं बना रहा कि अभी मैं अगर ये मोहल्ले वाले हैं जो फिर हमें जो है ना ये नीचे रख मकान दे। खाली करेंगे और हाँ, फिर जो है ना मकान खाली करेंगे कहीं और इधर देखेंगे रख दे, मकान। मकान कहीं और देखेंगे, इतना मुश्किल है मकान चेंज करना बार बार। हाँ अगर ये चोर है तो रात को जो है ना क्या सकूंगा मैं, दरवाजा खोलता ही नहीं, दरवाजा बजता है ना मैं खोलता नहीं हूँ। अब मैं देखूं बाहर कौन है कौन नहीं, अपनी ये भी नहीं कर एहतियात सकता। होती है। हाँ चलें, अब वो तो होता आज जो रहेगा। है ना आज रात को मैं चलो तुम्हारे को उठाऊंगा, फिर देखना जरा सीन, देखना के कौन है क्या है क्या नहीं। बकायदा मेरे ख्याल अब ये बाइक बाहर से आते हैं, बाइक की आवाज आ रही है। चलो अच्छा, बाइक पे आते हैं स्पेशल। कभी खाना खाना है फटाफट, मेरे को और ना ये सोडा सौदा वगैरह लेकर कब लेने जाएंगे? सोडा लेकर आना है, खाना खाती है फटाफट। अच्छा चलो ठीक है, पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद चले जाना आप। पापा देखे, सोडा भी लेकर आ चुके हैं, कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं आते के साथ। सबसे पहले मैंने पानी पिलाया था, पानी भी पापा ने पी लिया। पहले मैं 1 गिलास रख देती हूँ, उसके बाद सोडा दिखाएंगे आपको। ये देखिए जी, तो क्या क्या लाए सौदे में, ये इतना आज तो सारा है। मैं वैसे काफी सारी चीजें लाया एक ही हूँ, थैली आती है हमेशा। आज मैं काफी सारी चीजें लाया हूँ। मैंने बोला डबल डबल करके ले लेता हूँ। ये देखो देखो घी भी ये पैकिंग वाला घी, लाए इस बार। हाँ वाह ये जी घी जो है ना वाह, पैकिंग वाला मजे। लिया है। ये हमेशा देख वो लीजिए इस दूसरी बार। थैली किलो के हिसाब से तोल के देता है ना, तो हाँ, वो फिर थैली खराब हो जाती है, लीक हो जाती ये देखो है। इस बार तो पैकिंग वाला ये ही है, पैकिंग और वो वाले भी ये दो दो दो। थैली लिया है मैं किलो किलो वाली, सही चलिए, अच्छी है। बात है, तो काफी टाइम तक और गुजारा हो ये जाएगा। रमजान के लिए बेसन आ गया 1/2 किलो। ये पकोड़े बनाएंगे हम मजे मजे के, है हाँ ना। आपके, और ये तुम्हारा बर्तन धोने का पूरा ओहो, 1 महीना, ऐसा लग रहा है किसी को मारने के लिए। ठीक है, इतना और बड़ा साबुन जो है ना फर्स्ट ये टाइम आया नहाने है। धोने वाला साबुन आ गया, सही हाँ, ये नहाने वाला है। साबुन आ गया, और और फिर क्या उसके बाद है, ये क्या है? ये इमली है। ये अच्छा, ये इमली हाँ है। ये छोले भी लेकर आया हूँ, हाँ, छोले भी ना छोले और दाल वगैरह बनाएंगे ना रमजान में। ये लो, ये अचार गोश्त मसाले मसाले आ गए ये तीनों देखें, एक ही अचार ना। गोश्त, फ्राई मछली मसाला, और और ये बिरयानी है। हाँ तीन और मसाले क्या हो गए, चीज और है इसमें क्या है? इसमें, चीनी है, अच्छा जी, ये चीनी। चीनी भी आ गई। ये इतनी सारी चीनी, हाँ ये 2 किलो लेकर आ गया मैं, 2 किलो? वैसे वरना नॉर्मल कितनी लाते हफ्ते हैं? में लाता हूँ 1 किलो। तो ये समझ लो मैं सारा जो सौदा लाया ना ये 15 दिन का लेकर आया हूँ। ये अच्छा, हल्दी आ गई, कुटी हुई मिर्ची है, लाल मिर्ची पिसी चलिए हुई ये भी है, आ गई, लेकिन खुली जो है ना अच्छी समझा। मिल जाती है, अच्छी खासी। हाँ और दूसरा जो है ये लाल दाल है, ये 1/2 किलो, हाँ, वैसे नॉर्मल 1 पाव लाते हैं आप, चने की सब्जी दाल 1 पाव।
चने की दाल इस बार ज्यादा यूज होगी रमजान में। और ये चावल, ओहो इतने सारे, कुछ ज्यादा नहीं हो गए या कितने है? ये है 4 किलो। अच्छा 4 किलो। अब ये देखें आप, ये कितना सारा सामान है। वैसे नॉर्मल इतना सा सामान होता है लेकिन इस बार ये इतना सारा है। एक चीज भूल गया मैं, क्या? सफेद छोले तो याद नहीं रहे लाने, छोले नहीं, नहीं, हाँ, नहीं ये देखो थैली है ही नहीं, नहीं लाए होंगे या तो फिर आप। अब ये मैंने तो उसको बोला था कि क्या पता उसके पास रह गई हो थैली, हो सकता है रह गई हो, इसमें तो है ही नहीं, क्या करें अब, चलें कोई बात नहीं। और दूध का कार्टन है वो भी मैंने लाके फ्रिज के ऊपर रखा। हाँ, दूध का कार्टन भी पापा ले आए हैं, वो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। हाँ वो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया लाके। तो चलें इस सामान को भी अभी हम रखते हैं इसकी जगह पे, यहाँ से खाली करते हैं जगह। आज ना मेरी गर्दन ये कर रही है बहुत दर्द। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों, ठंड थी ना वो। हाँ। एक ही करवट में लग रहा है, तीन चार घंटे सो गया और रात को उठता भी हूँ, एक तो परेशान कर रखा है गली वाला, पता नहीं गली वालों ने कर रखा है या। हाँ नींद भी फिर खराब होती है, दरवाजा बजता है बार बार। आज जो है ना मैं सोच रहा हूँ आज 2 बजे के बाद उठूंगा और वो वाला दरवाजा बजता है, मैं आराम से यहाँ से खिड़की से कोशिश करूंगा देखने की, इधर से वैसे देखा जाएगा है ना, या फिर आराम से यहाँ से दरवाजा खोलूं और फिर जरा यहाँ से जाके देखूंगा है कौन। लेकिन मसला खतरा रहता है ना, क्या हाँ, पता रात भाई को खोल वाकई भी नहीं सकते, चोर चोर हो वगैरह हो। डाकू हो और मसला हो जाए खराब, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे पास ना पैसे वगैरह है या क्या है। वो अंदर तो आ नहीं सकते क्योंकि अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ अब वो चले मौका अल्लाह ढूंढ मालिक रहे है, हैं। आज जो है ना आज मैं तुम्हारे को भी उठाऊंगा, चले ठीक है, समझा। और अभी जो है ना बाबू मैं करूँगा आराम क्योंकि मैं थक गया, पैदल जाए वो, अब अदनान बाइक ले जाता है, अब पैदल जाना पड़ता है मेरे को सौदा लेने, ना गर्दन दर्द कर रही है मेरी। तो अभी पापा भी अपना आराम करने के लिए रूम में जा चुके हैं और मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए। अब बस मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहीं तो शाम हो जाएगी ना, जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो सर्दी बढ़ती जाएगी, फिर मेरा दिल नहीं करेगा नहाने का, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ नहाने के लिए, जल्दी से आ जाऊंगी। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।